सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम तत्पुरुष समास की लाइव कक्षा संख्या 15 को पढ़ने जा रहे हैं, और जो भी महानुभाव इस संपूर्ण सीरीज को पढ़ना चाहते हैं समास की, लघु सिद्धांत कौमुदी के समास, संपूर्ण समास को, वे सभी महानुभाव इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं ऑनलाइन अपने घर पर ही बैठे बैठे। और अधिक जानकारी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं 9582104261। टाइप चलिएगा, अब हम अपने समास प्रकरण पर चल रहे हैं जहां पर हम ये गत कक्षा में आपको पढ़ाया था। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको ये तृतीय तत्पुरुष समास पढ़ाया था, जो तृतीय तत्कृतार्थेन गुण वचनेन, ये सूत्र पढ़ा दिया था, पूरा अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया था। ठीक है, अब आइएगा आगे का सूत्र है तृतीय समास कोई करने वाला कर्तृकरणे कृता बहुलम। बोलिएगा मेरे साथ और बोलिएगा एक दो बार, कर्तृकरणे कृता बहुलम। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम पदच्छेद आदि देख लेते हैं, सरल है, कोई कठिन नहीं है। आइएगा यहीं देखते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है बहुत सुंदर, यह सूत्र है चलिएगा, इनका यहाँ पर छूट रहा है, इनका इन्होंने यहाँ हिंदी में छूटा हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, कर्तृकरणी ये आपका सप्तमी विभक्ति एक वचनांत। ठीक है, कृता तृतीय विभक्ति एक वचनांत, और बहुलम प्रथमा विभक्ति एक वचनांत। ठीक है, सरल है, इसमें कोई समास नहीं है, इसमें भी कोई समास नहीं है, अकेले अकेले पद है। इसमें एक समास है, उसको मैं आपको करके दिखला देता हूं। यहां पर कर्त करने में कर्ता च करणम च कर्त्री करणम तस्मिन् कर्तृकरणे। ये समाहार द्वंद्व समास आपका है, समाहार द्वंद्व द्वंद्वः। ठीक है, ये समाहार द्वंद्व समास आपका हो गया। ठीक है, कर्ता आप जानते हैं, करण आप जानते हैं, कर्ता अर्थात जो कर्ता कर्तृकारक है, और ऐसे करण कारक है। और देखिएगा इस सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है मुख्य रूप से, पीछे से सहसुपा आदि की जो अनुवृत्तियां चली आ रही हैं वो आ रही है, तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है, और यहाँ पास में से जो अनुवृत्ति आ रही है मुख्य, वो आ रही है तृतीय आदि। इस सूत्र में से तृतीय यहां पर इसमें आ रहा है, राइट, तृतीय आ रहा है। तब आइएगा मिलकर के ये क्या अर्थ होता है देखते हैं। कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, कर्तरी करणे च तृतीया
कृदंतेन बहुलम प्रागवत। ठीक है, बहुलम का अर्थ होता है मानिएगा कहीं होता है कहीं नहीं होता, अर्थात तो दोनों प्रकार के रूप दिखते हैं। तो बहुलम का अर्थ हम आपको और आगे बताएंगे, पर अभी आपको इतना ही समझना है बहुलम माने कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, कहीं हो रहा है समास, कहीं नहीं हो रहा है। तो विकल्प भी कह सकते हैं, पर विकल्प से और अधिक अर्थ होता है बहुलम का थोड़ा सा। आइएगा, कर्तरी, कर्तरी माने कर्ता कारक में, करणी करण कारक में, चमने जो तृतीया माने जो तृतीयांत पद, तृतीया माने तृतीयांत पद, वो क्या है समर्थ सुबंत कृदंत, क्या है कृदंत समर्थ सुबंत, माने कृदंत ये अष्टाध्यायी के अंदर प्रत्यय है। चलिए अष्टाध्यायी भी दिखलाऊंगा मैं आपको, अष्टाध्यायी के अंतर्गत कृदंत प्रत्यय है तीसरे अध्याय में, उनसे बना हुआ जो कृदंत शब्द और वो समर्थ होना चाहिए सुबंत भी होना चाहिए, तो वो क्या है बहुलम प्रागवत, माने बहुल करके समास को प्राप्त हो जाता है और वह कौन सा समास होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। अब आइएगा, सबसे पहले मैं आपको कृदंत दिखला देता हूं कि कृदंत प्रत्यय कहाँ है, जिससे आपको और सरलता हो जाएगी। देखिएगा, ये दूसरा अध्याय आपका, ये तीसरा अध्याय आ गया, तृतीय अध्याय आ गया अष्टाध्याय के अंदर। ठीक है, अब आप देखेंगे ये तीसरा अध्याय, यहां पर एक सूत्र है, ये देखिएगा कृतत्तिं, क्या है कृतत्तिं, तो ये क्या ये कृत है वास्तव में, कृदंत है कृत है, और अतिंग अतिंग माने जो 18 प्रत्यय होते तिप तस जी आदि उनको छोड़ करके यहां से लेकर के संपूर्ण तीसरे अध्याय में जितने प्रत्यय हैं सैकड़ों प्रत्यय मित्रों, ये प्रत्यय ही प्रत्यय विधान करने वाले सूत्र हैं सभी। ये देखिएगा तीसरे अध्याय में संपूर्ण जो प्रत्यय वहां से आगे हैं ये घई हैं, ठीक है, और भी प्रत्यय हैं उन सबको केवल इनको छोड़ करके ये 18 प्रत्यय है तिप्त जी सिप्त स्थ मिप वस मस ता ताम झ था सा थाम ध्वम इड बहि महि, इनको छोड़ करके जितने भी प्रत्यय हैं उन सब की माने यहां तक जितने भी प्रत्यय कहे हैं सब की कृत संज्ञा होती है, उनका नाम रख दिया महर्षि पाणिनि ने कृत। ठीक है, बस इतना ही समझना है आपको। तो कृत संज्ञा कर दी, ठीक है, तो उस वो कृत प्रत्यांत शब्द और वो फिर उससे स्वादिपत्ति आकर के समर्थ भी होना चाहिए, तो उसके साथ समास को तृतीयांत पद, और कर्ता में तृतीया कब होती है अब जानते हैं, कर्ता में तृतीया कब होती है कर्तृकर्णयोस् तृतीया, माने कर्मवाच्य और भाववाच्य में, क्या कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या होती है कर्ता में तृतीया होती है, और कर्ण में तो तृतीया होती ही है हमेशा, कर्तृकर्ण योस् तृतीया, तो क्या कर्ता में जो कर्मवाच्य भाववाच्य वाक्य बनाते हैं उसका जो तृतीया, और कर्ण में जो तृतीया है वो कृदंत शब्द के साथ समास को प्राप्त हो जाता है। अब देखिएगा उदाहरण, हरिणात्रातो हरित्रातः, तो इसका ऐसा हरिणात्रातः हरित्रातः माने त्रातः, ये त्रातः क्या है ये त्रय धातु थी, इससे त्रय को त्रा हो जाता है और आगे कत प्रत्यय है, ठीक है, कत कत बचता है तो ये बन गया आपका त्रात, ठीक है, त्रात त्रात, ये कत प्रत्यय कहां पर होता है भूतकाल में, और किस वाच्य में होता है, किस वाच्य में होता है कर्म वाच्य में भाव वाच्य में अधिकतर, तो यहां पर हरिणा त्राताः हरि के द्वारा रक्षित कोई व्यक्ति है कोई भी है तो वो हरित्राताः कहलाता है। तो अब देखिए हरिणा हरि रक्षा करने वाला है तो ये कर्ता में तृतीया हो गई, क्या हो गई तृतीया विभक्ति हो गई कर्ता के अंदर, और ये जो त्राताः ये कत प्रत्यय ये कहां पर है उसके अंतर्गत है तीसरे अध्याय में कृदंत है, ठीक है, भूते निष्ठा
और जो निष्ठा है वो क्या है, भूतकाल में होता है, तो निष्ठा क्या है, कतकतवतु निष्ठा, तो क्या है ये कत प्रत्यय कृदंत है, तो ये कृदंत शब्द बन गया, और समर्थ भी है इसके साथ में अर्थ को कहने के लिए, इसलिए क्या बना हरिणा त्राता हरित्राता, तो हरिणा त्राता है, ये तो इसका लौकिक विग्रह हो गया मित्रों, ये लौकिक विग्रह हो गया। अब आइएगा इसका मैं आपको यहीं पर सिद्धि भी करके दिखला देता हूं, देखिएगा ये तो है ही लौकिक विग्रह, अलौकिक में क्या बनेगा हरि और टा और त्रात सु, ठीक है सु, और इसका इस सूत्र से समास हो जाएगा बहुल करके, और वो तत्पुरुष समास होगा, तो समास होने से कृतद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपु धातु प्रातिपदिक से लुप हो गया, क्या बचा आपका हरि त्रात, ठीक है। अब एक देश विकृतम अनन्यवत भवति परिभाषा के सहयोग से क्या है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अब भी है, इनका लुक होने पर फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या माना जाएगा, अब इससे ज्ञा प्रातिपदिका सु औजस आदि लगा करके आप इससे स्वादी उत्पत्ति कर लेंगे, और ये पुल्लिंग है, कोई जिसकी रक्षा कर रहे वो पुल्लिंग है, इसे पुल्लिंग रहेगा, तो ये सु आ जाएगा यहाँ पर, और रुत्व विसर्ग आदि होकर के इसको क्या बन जाएगा मित्रों हरी त्राता, ठीक है, ये बार बार आप स्वादी उत्पत्ति हम तरह कहेंगे स्वादी उत्पत्ति करके, मुख्य रूप से हमारा जो अभिधेय रहेगा ध्यान रहेगा वो रहेगा समास पर। तो यहां पर मित्रों क्या हुआ, हरी त्राता में तृतीय तत्पुरुष समास हो गया है इस सूत्र से, कर त्रिकरणी कृता बहुलम, हरिणा में क्या है कर्ता में तृतीय है, और त्राप शब्द ये क्या है कृतांत प्रत्यांत है, और ये कृत प्रत्यय है कृत प्रत्यय, ठीक है। अब आ जाइएगा आगे, दूसरा उदाहरण दिया इन्होंने नखैर निर्भिन्नो नखैर भिन्नो नख भिन्न, तो नखई ही भिन्न माने नाकूनों से फाड़ा हुआ, माने जो जंगली पशु होते हैं वो अपने नाकूनों से फाड़ देते हैं शिकार करते हैं, तो नखैर भिन्नो नख भिन्न, तो ये नख क्या है फाड़ने का साधन, फाड़ने का साधन क्या है करण है, करण में तृतीया है, कर्तृगणयोः तृतीया से तृतीया होती है। अब देखिएगा आप यहां पर ये देखिएगा ये नखैर भिन्नो नख भिन्नः, तो अब ये तो लौकिक विग्रह हो गया, ये भिन्न शब्द क्या है कृत प्रत्यंत है, ध्यान रखें कृत प्रत्यंत है पूर्व के समान, और ये कृत प्रत्यंत होने से क्या है इसको त को भी न हो जाता है, तकार को न हो जाता है, तो ये कृत प्रत्यंत होने से कृदंत भी है, कृदंत हो गया ये आपका, कृदंत होने से समास को प्राप्त हो जाएगा, वही विधि है नख 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 और भिस आ जाएगा बहुवचन है, ठीक है भिस और भिन्न भिन्न सु, ठीक है पूर्वत इसी से समास हो गया बहुल करके, समास होने पर कृतव्य समासाश्च सुपोधातु प्रातिपदिकयोः लुक हो गया, क्या बचा आपका नख भिन्न और स्वादी उत्पत्ति करके नख भिन्न, नाखूनों से फाड़ा गया कोई भी पक्षी मनुष्य या जो भी है जीव जंतु, ये तो ये हो गया आपका। चलिएगा अब इसमें कुछ और परेशानी आती है, उसको हटाने के लिए एक परिभाषा है, ये क्या है परिभाषाएं हैं, परिभाषा ग्रंथ भी हम आपको पढ़ाएंगे आगे, ये क्या है परिभाषा ग्रंथ है मित्रों, उसमें परिभाषा है कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, क्या कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, इसका उदाहरण दिया है नख निर्भिन्न, आप समझ रहे ये नख निर्भिन्न ये सिद्ध करना है। अब आप कहेंगे कि ये तो इसी सूत्र से सिद्ध हो जाएगा, जैसे नख भिन्न सिद्ध हो गया है वैसे नख निर्भिन्न भी सिद्ध हो जाएगा, तो इसमें शंका उठती है, इसलिए सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इसने कहा था इस सूत्र ने कि कृदंत केवल क्या कृदंत शब्द का तृतीय अंत के साथ में समास प्राप्त होता है, यदि वो तृतीय करण में हो या कर्ता में हो,
यहाँ ये नख शब्द है, इसका इसका जो हम लौकिक विग्रह करेंगे तो होगा नखैः निर्भिन्नः, नख निर्भिन्नः क्या होगा, नखैः निर्भिन्नः, नख निर्भिन्नः, ये इसका लौकिक विग्रह होगा। अब समस्या कहाँ आ रही है, इसके लिए परिभाषा का हमको सहयोग लेना पड़ रहा है। देखिएगा, इसने कहा कृदंत, इसमें कृदंत शब्द क्या है, केवल भिन्न भिन्न है, निर्तो उपसर्ग है, निर्तो उपसर्ग है, क्या भिन्न केवल कृदंत, क्योंकि जो जो कृत प्रत्यय का विधान है वो क्या है, धातु से है, क्या है, धातु से है, तो धातु से। अब यहां पर ये समस्या आई कि भाई कृदंत के साथ समास कहाँ है, न कि और कोई साथ में आ जाएगी तो उसको भी समास कहाँ है। भाई जितने आदमी को कोई किसी ने निमंत्रण दिया, मानिएगा एक आदमी को निमंत्रण दिया और वो लेके आ जाए अपने 10 मित्रों को, तो वो जिसने निमंत्रण दिया वो कहेगा भाई हमने तो आपको अकेले को निमंत्रण दिया था, आप इनको भी लेके आ गए अपने साथ में, भाई ये तो गलत बात है, नहीं फिर हम तो भाई जाओ वापस, नहीं हम कर सकते आपकी सेवा शुश्रूषा। तो ऐसी समस्या यहाँ आ गई, भाई काम तो कहा था कृदंत को और कृदंत महाराज जी लेकर के आ गए अपने साथ में निर को भी, तो क्या उनको भी भाई हम समास कर दें क्या। तो ऐसी समस्या आने लगी कि लोक में जिस प्रकार से भाई नहीं किया जाता है, यदि कोई लेकर के आ जाता अपने साथ में 10-5 व्यक्तियों को, तो नहीं उसको जो भी चीज देनी होती है, जो उससे कार्य करवाना होता है वो नहीं किया जाता है। वैसे ही यहां पर भी व्याकरण में भी मित्रों, तो क्या करें, तो ये निर आ गया भाई, ये तो कृदंत तो नहीं हो सकता भाई, इसके साथ में निर भी आ गया है, तो समास यहां करना पड़ेगा। समस्त पद हमको साहित्य के अंदर मिलता है, तो इसलिए हमारे आचार्यों ने ये परिभाषा बनाई, क्या बनाई, परिभाषा बनाई, क्या बनाई, कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, कि ऐसा है भाई देखो चलेगा, थोड़ा चलेगा, नियम बना देते हैं कि आपको कोई अपने साथ में कृदंत थोड़ा सा ले आता है किसी को, तो उसकी भी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ेगी। कृत ग्रहणे, कृत ग्रहणे का अर्थ है जिन सूत्रों में कृत माने कृत प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय है उनको ग्रहण करके उनका ग्रहण किया गया है, अर्थात कृत ग्रहण वाले सूत्र में जो काम कृतंत कृत को कहा है वो गति पू गति और कारक पूर्वक को भी हो जाता है, क्या गति पूर्वक को भी हो जाता है और कारक पूर्वक को भी होता है। यदि कृत प्रत्यंत को कोई कार्य कहा है तो उसके साथ में गति संज्ञक कोई और भी साथ में है तो उसको भी वो कार्य हो जाता है, इसी प्रकार से कारक पूर्व में है तो उसको भी हो जाता है। तो मुख्य रूप से हमें यह गति का देखना है, ये क्या है, ये उपसर्ग है और उपसर्गों की क्या होती है, गतिश्च से गति संज्ञा भी होती है, ठीक है, तो इसकी उपसर्गों की क्या हो जाती है, गति संज्ञा, गतिश्च से क्रिया के योग में क्या हो जाती है, गति संज्ञा हो जाती है। इसका भी अष्टाध्यायी का सूत्र आपको दिखला देता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा, ये देखिएगा, ये अब पीछे हमको जाना पड़ेगा, ये प्रथम अध्याय में वहां पर जहां गतिश्च सूत्र है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, ये देखिएगा, आनंद लीजिएगा, पाणिनि के दर्शन कीजिएगा, पूरे पाणिनि के शास्त्र में हम आपको भ्रमण कराएंगे, ये देखिए यहां निकल गया गतिश्च, ये आप देख पा रहे होंगे ये गतिश्च सूत्र है, और इससे पहले जो सूत्र है वो क्या है, देखिएगा, ये प्रादय उपसर्गाह क्रिया योगे, माने प्रादि आदि है उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है क्रिया के योग में, और क्रिया के योग में उनकी गति संज्ञा भी हो जाती है, तो उपसर्गों की गति संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। तो इसलिए निर क्या है, उपसर्ग है अर्थात प्रादि है, तो इसकी गति संज्ञा भी है, गति संज्ञा होने से मित्र क्या हुआ, देखिएगा, गति संज्ञा होने से ये निर है तो
कृदंत को कहा हुआ कार्य निरसहित को भी हो जाएगा, तो इसका नखई ही का इसके साथ समास हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा नख और भिस, ठीक है, और निर्भिन्न और ये सु, ठीक है, सु, तो सु इसका पूर्व समास हो गया, इस परिभाषा के सहयोग से सूत्र से समास हो करके लुक हो गया, ठीक है, प्राकृतिक भोज उत्पाद उत्पत्ति करके क्या बन गया, नख निर्भिन्न, राइट, ये पूरा सरल है। अब आपको ये समझ में आ गया कर्तृकरणे कृता बहुलम, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। तो ये आपका मित्रों दो सूत्रों से क्या हुआ, तृतीय समास हो गया। अब इसके आगे क्या आएगा मित्रों, चतुर्थी समास आएगा। अब मैं आपको अभी तक मैंने जो दो आपको ये पढ़ाए हैं, दो पढ़ाए हैं, इनकी कुछ एक विशेष बात मैं आपको बतला देता हूं, जिससे आपको कोई पूछे तो आप झट से उसका उत्तर दे दे और आप पढ़ें तो आपको भी कोई समस्या खड़ी ना हो। देखिएगा, ये जो दो सूत्र थे हमने आपको पढ़ाए, एक तो ये तीन सूत्र पढ़ाए हमने आपको, ठीक है, एक द्वितीय समास का पढ़ाया, ये आपका द्वितीय शतातीत, तो और एक वो सूत्र पढ़ाया। इसमें क्या है देखिएगा, अष्टाध्यायी में खोल देता हूं आपके लिए, ये यहां आ जाइएगा, ठीक है, हमने आपको क्या एक अभी ये सूत्र पढ़ाए हैं, एक द्वितीय वाला, ठीक है, ये लघु सिद्धांत का, इसलिए और ये अष्टाध्याय में तो और भी सूत्र है ये वाले, पर लघु सिद्धांत में इनकी आवश्यकता नहीं है, सामान्य ये कुछ ज्यादा सूत्र नहीं है, ठीक है, जब हम प्रथमावृत्ति पढ़ेंगे, प्राचीन व्याकरण पढ़ेंगे क्रम से, तो इसको भी पढ़ेंगे। और हमने पढ़ाया आपको ये दूसरा सूत्र, ये तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, और फिर इसके आगे था ये आपका कर्तृकरणे कृता बहुलम, ये, ठीक है, ये और ये और एक ऊपर वाला सूत्र, ये सूत्र छोड़ दिए हैं, लघु सिद्धांत में छोड़ दिए हैं, ठीक है, तृतीया ये भी करते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं जो बात बताने जा रहा हूं कि जो केवल इन इतने ही तृतीया, जो तृतीया का जो समास है वो केवल मात्र इन शब्दों के साथ ही नहीं मिलता, इनसे अतिरिक्त बहुत कुछ मिलता है। ऐसे ही द्वितीया का जो समास है वो केवल और केवल इतने शब्दों के साथ नहीं मिलता, इससे बहुत सारे अधिक शब्दों के साथ में मिलता है, द्वितीयांत का समर्थ संबंध जो दूसरे है उनके साथ, तो फिर वो समास कहां से हो गया, फिर तो अष्टाध्यायी पढ़नी जी की फेल हो गई, नहीं फेल नहीं हुई। इसके लिए हमारे आचार्यों ने व्यवस्था दे दी कि इसके दो दो सूत्र कर दिए हैं, जैसे द्वितीय एक सूत्र अलग कर दिया और फिर ये एक सूत्र अलग कर दिया, तो क्या किया कि जो द्वितीयांत जो सुबंत होता है, समर्थ होता है, वो समर्थ सुबंत के साथ समाप्त को प्राप्त हो जाता है और फिर दूसरा इसकी अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी, तो फिर द्वितीयांत इनके साथ में प्राप्त होता है। ये योग विभाग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, योग विभाग, सूत्र का विभाग कर दिया महर्षि पतंजलि जी ने, महर्षि पतंजलि जो वैयाकरण के श्रेष्ठ आचार्य हैं। तो योग विभाग से क्या है, हमें इसके अतिरिक्त द्वितीयांत का समास जो दिखता है वो इससे हम सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे ही तृतीय का योग विभाग कर दिया, यहां से तृतीय सूत्र को इतना अलग कर दिया और इनको अलग कर दिया, तो कहा कि तृतीयांतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते, तो विकल्प से ये भी समास को, तो इसलिए तृतीय का भी जिन जिन के साथ में समास में दिखता है और यहां दिखते नहीं है तो उसका भी सिद्ध हो जाता है, इसलिए कोई भी अनिष्टापत्ति नहीं आती है। इसी प्रकार से आगे के सूत्रों में भी आपको ये ध्यान रखना है, चतुर्थी, तो चतुर्थी को भी तोड़ देंगे, चतुर्थ्यंत का भी समर्थ स्वंत के साथ समास प्राप्त हो जाएगा और इनके साथ भी होता है, ऐसा ही फिर आपका पंचमी के साथ भी और ऐसा ही आपका सप्तमी के साथ भी, योग विभाग करके। ये बात मैंने आपको यहां बतला दी है,
जितनी समझ में आ गई उतनी काफी है, अपनी तरफ से बताई है, ठीक है, पढ़ाने वाले को अपनी तरफ से यह बतानी चाहिए। तो मित्रों ये आपका तत्पुरुष समास हो गया, तृतीय तत्पुरुष समास जितना लघु सिद्धांत में दिया है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आगे की कक्षा में हम चलेंगे आपके इस चतुर्थी समास को पढ़ेंगे। चलिए मित्रों, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए इसमें अपना हर प्रकार का हमें योगदान प्रदान करें, सहयोग प्रदान करें, आर्थिक रूप से भी और ज्ञान के रूप में भी, ज्ञान का विस्तार करने के लिए। महर्षि पाणिनि का ये एक श्रेष्ठ यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में आप स्वयं भागी बने, प्रतिभागी बनकर के आप इसको पढ़ें, ये बहुत बड़ा महान अवसर है, और अपने मित्रों को भी सूचना दें, मेरा ऐसा आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन है। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।